Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. The first is पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं? ऑप्शन दिए हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीआई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं इंडियन टेस्ट इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन दिए है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सी ऑप्शन दिए है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डी ऑप्शन दिए है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलते हुए तरल की आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन दिए है CO2, बी ऑप्शन दिया है पानी, सी ऑप्शन दिया है सूखा पाउडर, डी ऑप्शन दिया है फोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिंग कटर का प्रयोग, समायोज्य गार्ड का प्रयोग, वर्कशॉप एरिया, सुनने का संरक्षण पहनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समायोज्य गार्ड का प्रयोग। इसके साथ और भी अन्य आदेशात्मक चिन्ह देखें, ध्यान रखें, इनका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक खतरा कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं शोर, कंपन, विस्फोटक, विकिरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं शक्ति, ऊर्जा, आवृत्ति, प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल वर्कशॉप की चिकनाई वाली फर्श की सफाई निम्न के द्वारा की जानी चाहिए? ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, बालू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग डैश है? ऑप्शन दिए हैं 8.75%, 12.85%, 16.85%, 20.95%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं शेफर की विधि, सिल्वेस्टर की विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेफर की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर स्टीयरिंग में पावर ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है तरल सामग्री, ग्रीस, संपीड़ित वायु, वायुमंडलीय वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपीड़ित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वर्कर विद्युत झटके से पीड़ित है उसे करना चाहिए अल्कोहलिक ड्रिंक देना, एक ठंडा ड्रिंक देना, चलने के लिए कहना, गर्म और ठंडा रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गर्म और ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक सरल संरचना वाला अवयव कौन सा है? ऑप्शन दिए है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह को पहचाने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें ऑप्शन दिया है आग का जोखिम, हानिकारक जोखिम, कमज़ोर छत, खराब लिफ्ट। तो आपको इस स्केच को देखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके सहयोगी को बिजली का भारी झटका लगा हो तो आपकी पहली कार्यवाही क्या होनी होगी? ऑप्शन दिया है पीड़ित को बिजली के तार से खींचे, पीड़ित को जलने से बचाने के लिए पानी डालें, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को तुरंत लाए, बिजली तुरंत बंद करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिजली तुरंत बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग ग्राइंडिंग के दौरान निकलने वाली चिंगारियों से चेहरे के बचाव के लिए प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है एप्रन, हेड शील्ड, नोज मास्क, गोगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेड शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्टिंग के काइनेमेटिक तरीके से गलत स्थिति क्या है? एक पैर के घुटने के आगे होने के साथ पैरों के बीच की चौड़ाई 18 इंच होना, पीठ का सीधा होना, वाह के शरीर के यथासंभव निकट होना, पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्णतः मुड़ा होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्ण मुड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चिन्ह की श्रेणी क्या है? निषेध चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य चिन्ह। इसके साथ और अन्य चिन्ह भी देखें, ध्यान रखें, इन सभी का एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किसी हिस्से में बहुत अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह हो रहा हो तो इसे गंभीर माना जाता है। इसमें पेशेवर की सेवाएं लेना अपेक्षित होता है। ऑप्शन दिया है कलाई, घुटना, पैर, बटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु जो ज्वलनशील या विस्फोटक या विषैली या क्षयकारी या रेडियो एक्टिव हो किसके तहत आती है? ऑप्शन दिए हैं भौतिक जोखिम, रासायनिक जोखिम, बायोलॉजिकल जोखिम, मैकेनिकल जोखिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की श्रेणी बताएं। ऑप्शन दिए हैं निषेध चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सुरक्षात्मक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी चिन्ह। इसके साथ में बाकी चेतावनी चिन्ह भी देखें, इनका ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में रक्त स्राव रोकने के लिए सही प्रथमोपचार क्या है? ऑप्शन ये है रक्त को थक्का बनाने का समय देना, स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना, रक्त रोकने के लिए घाव पर ग्रीस लगाना, उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग दुर्घटना रोकने के लिए किस प्रकार की सावधानी ली जानी चाहिए? दुकान के नज़दीक रेत की बाल्टी रखना, उचित प्रकार के अग्निशामक दुकान के नज़दीक रखने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दुकान के नज़दीक उपलब्ध होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही। Now bye friend, subscribe for more video and keep connected. Bye.